वेलकम फ्रेंड्स, एवरेज का ये जो आपका टॉपिक आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आज से आपका मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट हुआ और दोस्तों आप प्लीज कमेंट करके ये बताइए, जैसे आज मैंने औसत यहां पर लिया हुआ है, क्या इसी के कुछ स्टेप कुछ वीडियो और बनाऊं या अलग से भी कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं मैं, जैसे कि सभी टॉपिक एक साथ चले या फिर इसी टॉपिक को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं जिससे कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाए, आप इसको बताइए कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों और ये कुछ बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, हालांकि जैसा आप लोगों ने बताया सर शुरू से लेकर चलिए। तो पहले मैं आइए कुछ इसके बारे में बात करता हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने एक दो एपिसोड और डाले हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करता हूं कि औसत होता क्या है। सही मामले में जो औसत का फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बट ये हम छोटी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल करते थे। आज दोस्तों क्या है, कंपटीशन आपको पता है कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसमें देखते ही आपको आंसर आना चाहिए तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि आप स्मार्ट वे में आप इसको पढ़िए तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं यहाँ पे लेता हूँ। जनरली आप लोग जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक से आपको बताता चलूं। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 1 से 10 तक संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए औसत क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ये आपकी कुछ संख्याएं हैं दोस्तों, इसका आपको एवरेज निकालना है। सही मायने में एवरेज क्या होता है, इन सभी को आप जोड़ दीजिए और 10 संख्याएं 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। ये हम पहले करते थे। अब देखिए पहली बात तो आपको जोड़ना नहीं है, और जोड़ना भी है तो कैसे जोड़ेंगे हम पहले वो बताएंगे आपको, फिर इसका हम स्मार्ट तरीका बताएंगे जो आपको सॉल्व करना है, यानी जैसा कि नियम में होता है। देखिए क्या है, मान लीजिए मुझे इसको ऐड करना है, तो देखिए ऐड हम कैसे करते हैं, 9 1 10 हुआ, 8 2 ये 10 हुआ, 7 3 ये आपका 10 हुआ और 6 4 ये आपका 10 हुआ, और ये ऑलरेडी आपका 10 है। तो देखिए 10 20 30 40 50 और दोस्तों 5 आपका ये बचा, तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको ऐड किया, 55 ये इसका सम हो गया। और देखिए संख्या कितनी है दोस्तों, 10 10 से आप भाग देंगे तो इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 5.5। औसत कितना निकला, 5.5। देखिए मैंने ऐड कैसे किया, ठीक है ना। अब देखिए इसका नियम क्या होता है कि जब भी कोई संख्याएं वो कहीं से भी आपकी स्टार्ट हो और कहीं पे जाके खत्म हो, बट आपको ये देखना है इनके बीच का जो अंतर होता है वो अंतर समान है या नहीं है। तो यहां आप देखेंगे 1 से 2 बना, अंतर क्या हुआ, 1। 2 से 3 बना, अंतर क्या हुआ, 1। 3 से 4 बना, अंतर क्या हुआ, 1। आप देखेंगे सभी में जो दोस्तों अंतर निकल के आ रहा है वो 1 आ रहा है। और जब भी ये कंडीशन अप्लाई होती है दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला नंबर और आखिरी नंबर उठाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। मैंने फर्स्ट नंबर उठाया और आखिरी उठाया, दोनों को ऐड किया और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो ये आपका बना 11/2, जो आप इसे काटेंगे तो 5.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो पहले वाले का दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, 5.5। काफी इजी लेवल है फ्रेंड्स, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, आपको बीच में बताता भी चलूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आप लोग समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है एवरेज का, आगे बात करते हैं। अभी फ्रेंड्स में आपका वर्ग आएंगे, घन आएगा, तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो अभी आने बाकी हैं, आप लोग वेट कीजिए और धीरे धीरे मैं इसको सब कुछ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 4 से 16 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7 ये आपका चलता चला जाएगा कहां तक, 16 तक। आपने देखा
दोस्तों अब इसमें मैंने क्या बोला था आपसे, बस आपको डिफरेंस देखना है। यहां पर आठ आएगा ना, तो डिफरेंस आप देखिए, कहीं भी ये नहीं बोला कि बीच में कोई संख्या आपकी गायब है, नहीं ना, चार से सोलह है तो चार से सोलह पहुंची डिफरेंस आपका। फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि डिफरेंस आपका एक ही हो, डिफरेंस दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच, कितना भी डिफरेंस क्यों ना, बट वो हो समान डिफरेंस आपका होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको उठाया और इसको उठा लिया, चार प्लस सोलह करने हुए दोस्तों बीस और डिवाइड बाई टू, डिवाइड हमेशा टू से करना है, आपका औसत करना हुआ दस। आप चाहो तो इन सभी को ऐड भी कर सकते हो और जितनी संख्या है उससे आप डिवाइड भी कर दे तो आंसर आपका टेन ही निकल के आ जाएगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या हुआ, दस। ठीक है, एक ही प्रकार क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक ही प्रकार जब आठ से दस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, पांच से छह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में ये बोल रहे थे कि सर कौन सी किताब ली जाए यूपी पुलिस के लिए, तो आप जरा इंतजार कीजिए जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप उसको देखिए, मैं आपको बाद में क्लियर करके बताऊंगा कौन सी किताब सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 12, 14, 16, 18, 20, 22। मैंने दोस्तों बोला कहीं से भी नंबर आपका स्टार्ट हो, बस क्या आप देखेंगे अंतर समान हो। अंतर आपने देखा कितना है दोस्तों, दो दो दो, आप देखते जाएंगे दो दो का ही इसमें अंतर निकल के आ रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहला उठाया और आखिरी उठाया, देखिए 22 और 12 को मैंने क्या किया, ऐड किया और डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो आंसर आपका कितना निकल के आएगा, 17। ठीक है ना, आप लोग अगर ये आपको पता नहीं होता दोस्तों आप क्या करते, सभी को ऐड करते, जितनी संख्या है उससे आप भाग देते। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 17। तो 17 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको फ्रेंड्स अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। देखिए 31 से आपका 33 है, दो का अंतर हुआ, 33 से आपका 35 है, दो का अंतर हुआ, आप देखेंगे अंतर आपका समान जा रहा है, आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो आपका हुआ 43, 31, दोनों को आपने ऐड किया, 74 आपका आ गया, डिवाइड बाई टू, आप इसको काटिए, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 37 आपका इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। तो ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने किए। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़े हटके आ रहा है, बट कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, अंतर देखना है, संख्या कहीं से भी चालू क्यों ना हो, बस अंतर आपका समान जा रहा है तो वही आप अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट सेकंड को उठाया, दोनों को ऐड किया, टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एवरेज निकल के आ गया। चलिए बात करते हैं 3 के प्रथम गुणज। गुणज दोस्तों होता है कि आप उसका पहाड़ा पढ़िए, कैसे देखिए, और यहां दोस्तों दिया प्रथम दिया है। अगर हम 3 के टेबल पढ़े दोस्तों, तो 3 × 3 = 6, 9, ठीक है ना, आप देखेंगे 12, 15, 18, 21 पूछा है दोस्तों, 7 पूछा है, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, ये आपकी गुणज हो गई। अब इसका आपको एवरेज बताना है, तो जैसे ही आपसे पूछा है एवरेज बताना, हम देखेंगे अंतर समान है, अंतर समान है, आपने देखा जब गुणज है तो जाहिर सी बात है दोस्तों अंतर इसका क्या होगा, समान होगा, और अंतर जब समान है मुझे पता है कौन सा नियम लगेगा आपका, फर्स्ट और सेकंड उठाया, दो से डिवाइड कर दिया, आप देखेंगे 21 और 3 कितना हो गया, 24 डिवाइड बाई 2, अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हुआ, 12। तो ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। आई थिंक आपको कुछ भी समस्या नहीं हो रही है दोस्तों। अगला एपिसोड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सात के प्रथम छह गुणज, अगर आपने इसको देखा होगा, देखिए 7, 6 गुणज, तो 7 × 42, 42 + 7 जोड़ेंगे दोस्तों 49 हुए आपके, 49 / 2 = 24 आपका आंसर हो जाएगा, 24.5।
आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए बात करते हैं। सात के प्रथम गुणज, फ्रेंड्स इसको बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है ना, सात, चौदह, ठीक है दोस्तों, इक्कीस, अट्ठाईस, पैंतीस, ठीक है, फिर आपका होगा 42, 48, इस प्रकार से आप चलेगा। बट आपने देखा कि सिक्स पूछा गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काउंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, तो इतना हम काउंट करेंगे। अंतर आपने देखा, अंतर समान आया, मैंने आपसे बोला जरूरी नहीं अंतर एक समान हो, दो समान हो, तीन, अंतर समान हो कितना भी हो सकता है, 1,00,000, 2,00,000, 500,000, 600,000, 676,000, 678,000, कुछ भी हो सकता है, बस अंतर समान आना चाहिए। क्या किया मैंने, इसको उठाया, इसको उठाया, 42 + 7 = 49 / 2, आप देखेंगे आपका क्या निकल के आएगा, 24.5, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे दोस्तों, अब आपका स्क्वायर में आएगा। कोशिश मैं दोस्तों ये करूंगा कि फॉर्मूले का इस्तेमाल जितना कम से कम हो, इसका पता नहीं क्या है, थोड़ा एन प्लस वन पता नहीं दोस्तों क्या है, मुझे नहीं पता, आप कॉन्सेप्ट देखिए, आप ये नहीं बोलेंगे अंतर समान हो, पहला उठाया आखिरी उठाया, बस टू से डिवाइड कर दिया। अब आपका आएगा वर्ग का फॉर्मूला, इस्तेमाल हुआ हम करेंगे, नहीं हुआ तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यही कुछ फ्रेंड्स छोटे छोटे एपिसोड आपके आएंगे, आप लोग उसको देखिए अच्छे से प्रैक्टिस किए, हो सकता है दोस्तों शाम को आपको रीजनिंग का भी वीडियो देखने को मिले, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।